लगता है पाउडर का असर अच्छी तरह हो रहा है। आज की रात हम इसे जी भर कर प्यार करेंगे। तो ये गाइस, स्वागत एक नई वीडियो में। बिना कुछ टाइम पास किए सीधे चलते हैं स्टोरी पे। तो कहानी है एक संस्कारी फैमिली की, जिसमें एक बूढ़ा बाप और उनके दो बेटे विपुल और राहुल थे, और उनकी दो प्यारी बहुएं नीतू और कविता इस फैमिली में हैं। अब ये सब डाइनिंग टेबल पे थे। दोनों बेटे अपने पिता से बोलते हैं कि हमें कुछ काम से एक हफ्ते के लिए शहर जाना होगा। तो इनके पिताजी बोलते हैं, जाओ, मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों, मेरे दोनों बहुएं हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अब रात को बड़ा बेटा कमरे में अपनी वाइफ के साथ था। इसकी वाइफ इसे बोलती है, तुम जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बंदा बोलता है, टेंशन मत लो, मैं एक हफ्ते की कसर आज ही पूरा करके जाऊँगा। और अब बंदा अपनी कसर उस पर उतारना चालू करता है, और दोनों पति पत्नी देर तक वहाँ पे सेक्स करते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं, और एक हफ्ते की कसर ये अपनी बीवी पे उतार देता है। अब इसके बाद छोटे बेटे विपुल की बारी थी। इसकी बीवी भी उदास थी, तो बंदा बोलता है, मैं जल्दी आने का ट्राई करूँगा। और ये दोनों भी अपना पलंग तोड़ कार्यक्रम शुरू करते हैं। बंदी बोलती है, ऐसा करो कि जैसे ये आखिरी हो। और ये दोनों भी सेक्स कर लंबा इन्जॉय करते हैं। अब अगली सुबह बाबूजी कहीं से गिर जाते हैं, और चेक करने के लिए आया डॉक्टर बताता है कि इनके सर की नसों में चोट लगी है। बाबूजी डॉक्टर को बोलते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर बताता है कि इनके सर पे गहरी चोट लगी है, जिसके वजह से इनकी आई साइड चली गई है, और कमर पे चोट लगा है जिससे ये चल नहीं पाएंगे। लगभग 6 महीना लगेगा इन्हें ठीक होने में। तो जैसा दवा दिया है बराबर से इन्हें खिलाइए। और दोनों बेटे बोलते हैं, हम नहीं कहीं जाएंगे अब। तो पिताजी बोलते हैं, तुम दोनों जाओ, दोनों बहुएं हैं ना मेरे ख्याल रखेंगी, तुम अपना प्लान कैंसिल मत करो। अब अगले दिन दोनों बेटे चले जाते हैं। दोनों बहुएं अपने पतियों से बोलती हैं, आराम से जाओ, हम बाबूजी का ध्यान रखेंगे। अब कुछ समय बाद ये दोनों किचन में थे, और बाबूजी व्हीलचेयर पे बैठे किचन में आ जाते हैं। अब बाबूजी तो देख तो पा नहीं रहे थे, पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुँच गए। छोटी बहू बोलती है, अरे आपने कष्ट क्यों किया। बाबूजी बोलते हैं, अरे प्यास लगी थी तो मैं खुद ही ढूंढते ढूंढते आ गया। छोटी बहू बोलती है, अरे आपने सिपे का आवाज़ दी होती। अब दोनों बहुएं आशीर्वाद ले रही थी, तो बाबूजी उनके सर की जगह उनके चेस्ट पे आशीर्वाद दे रहे थे। छोटी बहू उनका हाथ पकड़ सर पे रख बोलती है, बाबूजी यहाँ पे। बाबूजी बोलते हैं, अब तो मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये चेयर व्हील पे बैठे बैठे तो मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है। ये दोनों बोलती हैं, चलिए हम आपका मसाज कर देते हैं। अब बाबूजी शर्टलेस चश्मा में ऐसा लग रहा है गोवा के किसी बीच पे सनबर्न ले रहे हैं। दोनों बहुएं उन्हें मसाज दे रही, एक ऊपर से एक नीचे से, मतलब एक बॉडी पे और एक पैरों पे। बड़ी बहू के ब्लाउज पे थोड़ा तेल लग जाता है, तो वो वहीं पे ब्लाउज निकालने लगती है। छोटी बहू उसे स्लो से बोलती है कि क्या कर रही हो तुम। तो बड़ी बहू उसको कान में बोलती है, अरे इन्हें थोड़ी ना दिखेगा, तो यहीं पर निकाल दे रही हूँ। कुछ देर में छोटी वाली भी पता नहीं क्यों अपना ब्लाउज निकाल देती है। अब फिर से कुछ समय बाद ये दोनों अपने अपने कमरे में थे, और एक ही दिन में इनकी जवानी उबाल मार रही थी। दोनों सेल्फ लव करने लगते हैं, मतलब अपने अपने हाथों को अपने बॉडी पे घुमा फिरा कर फील ले रहे थे, और उंगलियों का इस्तेमाल कर जिस्म की प्यास बुझाते हैं दोनों। छोटी बहू ने दोनों के लिए जूस बनाया था, और यह होती है विलन की एंट्री। और ये थे हमारे बाबूजी ही, जिन्हें कुछ हुआ नहीं था और वो नाटक कर रहे थे, और इन्होंने उन दोनों के जूस में कुछ मिला दिया था, और उन दोनों को पीते ही चढ़ गई थी। ये बड़ी बहू के कमरे में जाते हैं, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पति आ गया है। वो बोलती है, अरे आप बड़ी जल्दी आ गए। और बाबूजी अब अपने बड़ी बहू को बड़े देर तक लेते हैं, और वो भी इसे अपना पति समझ बहुत देर तक इंजॉय करती है। फिर उसके बाद ये छोटी बहू के कमरे में जाते हैं। दोनों को इसने क्या पता कौन सी गोली दी थी कि दोनों एकदम नशे में थे। वो सामने से अपने कपड़े निकाल रही थी, और अब ये छोटी बहू के साथ भी अच्छे से अपनी हवस की भूख को मिटाते हैं। अब अगली सुबह बड़ी बहू नीतू छोटी बहू कविता को बोलती है, मेरा सर बहुत भारी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात को राहुल आए थे। कविता बोलती है, अरे वाह, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। ये दोनों बोलती हैं, शायद हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं इसलिए। बाबूजी आधे कपड़ों में सोफे पे बैठे थे। नीतू ने बोलती है, बाबूजी क्या हुआ, और आप भीगे हुए क्यों हो यहाँ पे, और ये गीले पैरों के निशान किसके हैं। बाबूजी सोचने लगते हैं, शायद इसे मुझ पे शक हो रहा है। तब ये खांसने की एक्टिंग करने लगते हैं, तो ये पानी लेने चली जाती है। अब बाद में कविता को ये बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद बाबूजी देख सकते हैं। कविता बोलती है, पागल हो क्या। तो ये बोलती है कि कल मैं जब बाथरूम में नहाने जा रही थी, तो हम यहाँ बाथरूम वाले सीन में आ जाते हैं अब, जहाँ फिर से ये नशे में थी और बाबूजी बाथटब में उसके साथ सेक्स कर रहे थे। लग रहा है बाबूजी ने फिर से वो गोली खिला के बड़ी बहू को बराबर से ले लिया था। ये कविता को बोलती है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कोई था वहाँ पे। नीतू बोलती है, बाबूजी देख भी सकते हैं और चल भी सकते हैं।
कविता बोलती है, तुम आराम करो, तुम थक गई हो। तो नीतू बोलती है, सही में मेरा विश्वास करो, हम एक बार उन पर नज़र रख के देखते हैं और सब कुछ साफ हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, आगे का एपिसोड हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।